मेरे पिताजी बकरी पालन का कार्य करते हैं और माताजी भी मजदूरी करती है। मेरी पढ़ाई 12वीं तक तो घर वालों ने खर्चा उठाया थोड़ा बहुत जैसे भी करके, लेकिन जैसे मैंने 12वीं पास की है उसके बाद में मैंने अपने लेवल पे मजदूरी करके या फिर कलर वगैरह कुछ भी करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैं ICICI एकेडमी में पढ़ के बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे अब वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और मुझे एक अच्छी जॉब मिली। हमारा जो ये माहौल है यहाँ, मतलब ऐसा माहौल है कि मतलब आज तक कोई मतलब ऑफिस में काम नहीं किया किसी ने भी, और मतलब जो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ ICICI एकेडमी में बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, और मतलब मैंने जो वहाँ पे देखा है वो मैंने मतलब कभी नहीं देखा ऐसा। சின்ன வயசுல இருந்து நான் ஒரு 3rd 4th படிக்கும் போதுலேருந்தே ஒயிட் கனெக்ஷன் பிளஸ் மைனஸ் கொடுத்து அந்த சீரியல் பல்ப் எரிய வச்சாங்க. நான் விரும்பி படிச்சுட்டு இருந்தேன். வீட்லேயே இப்போ சப்ஜெக்டில் ஏதாச்சும் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் அதை அப்படியே வீட்டில் போய் கழட்டி அங்கே வீட்டில் என்னென்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பேன். 12th முடிச்சுட்டு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நான் அம்மாவோட நிலமனால படிக்க வைக்க முடியல, படிக்கவே முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தப்போ தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சுங்க சார். கண்டிப்பாக இது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ஹாஸ்டல் வசதி, சாப்பாடு வசதியெல்லாம் ரொம்ப தரமாகவே இருக்குது. मैं ये सोचता हूँ कि इस जॉब के कारण पहले मेरे पापा के नाम से मुझे जाना जाता है, अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाम से मेरे पापा का नाम जाना जाए। मुझे यहाँ पे आके ऐसा लगा जैसे मुझे यहाँ पे स्वर्ग मिल गया हूँ।